हेलो एवरीवन, आज हम हैं भागलपुर रूप बिहार में और आज एक विशेष यात्रा में हमें नाना एनीमिया यात्रा, जो कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो एनीमिया का केस है, एनीमिया अगर कहे तो मैं भी, आप जान रहे, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अगर एनीमिया कहे तो हमारे ब्लड में कमी, ब्लड के हीमोग्लोबिन में कमी, ये सारी कमियाँ जब आपके शरीर में होती है तो एनीमिया का नाम दिया जाता है। बहुत तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं एनीमिया में, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उससे लोगों को बताने के लिए पब्लिक फोरम भी यहाँ पे लगाया गया, फिर अभी एक खूबसूरत सा शो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, म्यूजिकल शो, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है, मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, आगे ब्लॉग में बने रहे। थैंक यू। गीताय गुणेशाय धीमहि गुणातीताय गुणाधी और भागलपुर के ये सभी डॉक्टर्स ज्यादातर इसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो इवेंट खत्म हो चुका, लगभग 10:30 बज रहे हैं। खूबसूरत सारे भागलपुर के जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उन लोगों ने जो एकदम धमाल मचाया, बिल्कुल डांस परफॉर्मेंस, मेरे साथ लोगों ने गाना गाया, सौरभ भैया के साथ गाना गया, खूबसूरत ये आज का इवेंट रहा। और ऐसे इवेंट बहुत कम मिलते हैं, लगभग मुझे लगता है 1.5 या 2 घंटे का परफॉर्मेंस होगा और बिल्कुल सभी, मतलब ज़्यादा की संख्या भी नहीं, मुझे लगता है सब मिलाकर 40 से 50 डॉक्टर्स होंगे और कुछ बाहर के लोग। बहुत बेहतरीन ये कार्यक्रम था और ऐसे ही ब्लॉग के लिए प्लीज़ आप सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करना ना भूले, करिए ना प्लीज़। ये भागलपुर का स्टेशन है, सुबह के 5 बज रहे हैं, होटल में स्टे करने के बाद मैं अब अपने घर की ओर, पीछे देखेंगे तो पूर्णिया की गाड़ियाँ इधर आपको हमेशा खड़ी मिलेंगी, जो कि यहाँ से जाती हैं। और ये भागलपुर के स्टेशन के बाहर का व्यू है, पूर्णिया अररिया फारबिसगंज के लिए आपको हमेशा बस मिलती रहती हैं, तो जो भी आए तो प्लीज़ आप यहाँ, और यहाँ से ऑटो ऑटो भी आपको हमेशा हर जगह के लिए मिलते रहेंगे।
थैंक यू एवरीवन ब्लॉग में बने रहने के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।